हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सअकैडमी। दिस इज रत्नाकर सर, और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे रियल एनालिसिस का कोर्स कराऊंगा। तो इस कोर्स के बारे में मैं पहले दो चार चीज़ें बोलना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम लोग इस पूरे कोर्स में रियल एनालिसिस को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके समझेंगे, ठीक है। और पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एज मैथमेटिक्स ऑप्शनल, कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड होना चाहिए, कि हाँ, यू मस्ट हैव अ नैक टू क्रैक द प्रॉब्लम्स। ओके, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोग ये समझें कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल एज ए सिविल सर्विस के लाइन में एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। रिसेंटली अगर हम लोग यूपीएससी का ट्रेंड देखें तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल में अच्छे अच्छे मार्क्स भी स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। ओके, तो इस कोर्स में हम लोग एनालिसिस का पूरा कोर्स करेंगे। ओके, और मैं पहले से ही बोलना चाहूँगा कि हाँ, हमारा जो ओरिएंटेशन होगा, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑप्शनल जिस तरह से पढ़ाऊँगा वो सिविल सर्विस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं ये कोर्स करूँगा। तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल 50 to 55 लेक्चर्स का एक सीरीज होगा। आज उस लेक्चर का पार्ट वन है, आज इस लेक्चर का पहला क्लास है, इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे सेट थ्योरी एंड रियल नंबर्स, ठीक है। देखो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन पे अच्छी पकड़ हो, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसको सॉल्व करके हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एग्जाम का प्रिपरेशन भी एक साथ ले सकें। ओके, तो चलो आज का कोर्स स्टार्ट करते हैं, आशा क्लास फर्स्ट क्लास। तो थ्रू आउट द कोर्स हम लोग कुछ नोटेशंस यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा चैप्टर सेट थ्योरी का है, तो सेट थ्योरी के हम लोग क्या क्या नोटेशन यूज करेंगे थोड़ा उसे देख लेते हैं। ओके, तो पहला है स्क्रिप्ट एन, इससे हम डिनोट करेंगे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रिप्ट एन। सेकेंड जो नोटेशन हम लोग यूज करेंगे वो है जेड, स्क्रिप्ट जेड बोलते हैं, कहीं कहीं इसे आई भी लिखा होता है, दिस डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। कुछ कुछ बुक में इस नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बीच में भी एक सेट ले लेते हैं, इसको वो लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट डब्ल्यू, ये होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसे लेते हैं और उसके साथ जीरो ले लेते हैं। तो इसे मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं, तो होल नंबर का सेट होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर का पूरा सेट और उसके साथ जीरो भी इंक्लूडेड होगा। ओके, तो किसी किसी बुक में ये लोग लिखते हैं होल नंबर्स, किसी बुक में नहीं लिखते हैं, ठीक है, मैंने जैसे बता दिया। उसके बाद आता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स रहेंगे, जीरो भी रहेगा और उसके साथ साथ सारे के सारे नेगेटिव्स ऑफ दोज नेचुरल नंबर्स वो भी सेट में रहेंगे। सो दिस डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम लोग स्क्रिप्ट जेड से लिखते हैं। नेक्स्ट हो रहा है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम लोग स्क्रिप्ट क्यू लिखते हैं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसे हम लोग स्क्रिप्ट क्यू से लिखते हैं। ये क्या है कि भाई ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या हो इंटीजर हो, साथ ही साथ क्यू जीरो ना हो, ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं दैट P Q belongs to the set of integers
where q is not equal to 0. Q is not equal to 0. So this is the set of all rational numbers. ये सेट है, इस सेट से हम डिनोट करेंगे सारे के सारे रैशनल नंबर्स को, मतलब इनडायरेक्टली सारे के सारे फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नोटेशन है वो है द सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। द सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट आर। स्क्रिप्ट आर डिनोट करेगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तो क्लियर होगा। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसे हम लोग डिनोट करेंगे बाई स्क्रिप्ट आर, ठीक है। एक और नोटेशन कभी कभी बुक में यूज होता है, वो होता है स्क्रिप्ट क्यू उसके ऊपर प्राइम। दिस डिनोट्स द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। दिस डिनोट्स द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक। इरेशनल नंबर्स हम लोग फॉर्मली डिफाइन करेंगे, ठीक है। रफली रफली ये होता है कि भाई इरेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो नंबर्स को हम इस p by q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल रूट टू, रूट थ्री, ठीक है। इसका एक बहुत ही पॉपुलर प्रूफ है कि भाई रूट टू क्यू रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। उसमें p by q इक्वल टू रूट टू लेके बोथ साइड स्क्वायर करके ऑटोमेटिक ये बहुत सारे बुक में मिल भी जाता है, हम लोग भी करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्लियर। तो ये सारे नोटेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या क्या यूज करने वाले हैं? स्क्रिप्ट n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्रिप्ट w द सेट ऑफ होल नंबर्स, स्क्रिप्ट z या स्क्रिप्ट i द सेट ऑफ इंटीजर्स, स्क्रिप्ट q द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, स्क्रिप्ट q उसके ऊपर प्राइम या q प्राइम भी बोलते हैं इसे, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, एंड स्क्रिप्ट r द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर। चलो इसके बाद आता है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट। रैशनल नंबर को हम आइदर टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरल डेसिमल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है और रिकरिंग का मतलब क्या है? देखो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे सपोज 4 बाई 5 एक रैशनल नंबर है। इस नंबर को मैंने p बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा है, इस नंबर को मैंने p बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा है। तो 4 बाई 5 एक रैशनल नंबर है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं या डेसिमल एक्सपेंशन में करूं तो ये क्या आएगा? 0.8। तो ये क्या है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेट होना, खत्म होना, मतलब एक स्टेज के बाद जाके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक स्टेज के बाद जाके वो खत्म हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं से 1 बाई 8 ले लूं तो 1/8 क्या आएगा? 0.125। तो डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस हैं, डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस हैं। ये भी क्या है? ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर टर्मिनेटिंग का मतलब है कि स्टेज के बाद जाके वो बंद हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस, 100 प्लेस, 150 प्लेस, बट हाँ उसके बाद जाके वो बंद हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नंबर लूँ 1/3, ये फ्रैक्शन लूँ, इसका मतलब क्या आता है? 0.33333 एंड सो ऑन, है ना, है ना। इसे हम कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, इसे हम कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। 1/3 अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? 0. पहला तो 9 थ्री टाइम्स, उसके बाद 1 0, फिर 9 फिर 3 टाइम्स, उसके बाद रिमाइंडर 1, फिर 0, फिर 9 फिर 3 टाइम्स। तो ये कब तक चलेगा? ये चलता ही रहेगा। तो ये क्या है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्या? नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है,
ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ में आया, और रिकरिंग हम किसे कहते हैं? रिकरिंग का मतलब वो रिपीट करे, मतलब जो फ्रैक्शन जो चीज रिपीट हो रहा हो वो रिपीट करे, जैसे 3333 रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हुआ। यहाँ फ्रैक्शन को इवेट कर सकते हैं, जब हम डेसिमल बोल रहे हैं तो फ्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हुआ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक फ्रैक्शन में 0.454545 इस तरह से रिपीट कर, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, 0.3 के ऊपर एक बार, ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, 0.45 इसके ऊपर एक बार। मतलब ये क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कंटिन्यू होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, मतलब 4545 ऐसे ही रिपीट होगा जाएगा, ठीक। तो ये भी हुआ एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्लियर। तो एक किसी भी रैशनल नंबर को या तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, या तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, क्लियर क्लियर। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किसके हुए? इरेशनल नंबर्स, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस किसके हुए? इरेशनल नंबर्स के। वही है हमारा सेकेंड नोट कि भाई एक इरेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। रिकरिंग भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, क्लियर क्लियर। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ओके। तो ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन भी हो गया। रैशनल नंबर किस टाइप का नंबर है? एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, एक नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और दूसरा क्या है? रैशनल नंबर उस तरह का नंबर है जिसका एक्सपेंशन एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, क्लियर। ये भी डेफिनेशन इक्वली वैलिड है। थर्ड पॉइंट, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? वो हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का यूनियन, ठीक है। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स स्क्रिप्टर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इट इज अ यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स स्क्रिप्ट क्यू यूनियन द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, the set of all irrational numbers, clear। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। एक और नोट है, देखो हमने जब नंबर सिस्टम में जब पहले नोटेशन लिखा था तो हमने कैसे एक्सपेंड किया था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से। इसमें हमने जीरो इंक्लूड किया था और वो क्या बन गया था? द सेट ऑफ होल नंबर्स। एक बार फिर से लिखता हूँ, हमने देखो नेचुरल नंबर सेट के साथ शुरुआत की थी, मतलब दीज नंबर्स आर नेचुरली ऑकरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नंबर नेचुरली ऑकरिंग नंबर्स। जीरो इज नॉट अ नेचुरली ऑकरिंग नंबर, ठीक है, ये चीज याद रखना, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नंबर जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब जीरो हम कभी काउंटिंग में नहीं ले आते, रियल लाइफ में नहीं ले आते, हाँ डेफिनेटली जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि मुझे जीरो ग्लास पानी दो, ठीक है। मैं बोलता हूँ मुझे पानी नहीं चाहिए, या पानी अभी नहीं चाहिए, या मुझे पानी मत दो। मैं कभी नहीं बोलता मुझे जीरो ग्लास पानी दो, मैं ये बोलता हूँ मुझे एक ग्लास पानी दो, दो ग्लास पानी दो। मैं ये बोलता हूँ मुझे दो ग्लास कोल्ड ड्रिंक चाहिए या दो बोतल कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मैं कभी नहीं बोलता मुझे जीरो बोतल कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो जीरो इज नॉट अ नेचुरली ऑकरिंग नंबर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये चीज दिमाग में रखनी है, ओके। तो देखो नेचुरल नंबर से हमने शुरुआत की थी 1, 2, 3, 4, इसमें हमने जीरो इंक्लूड किया था और वो क्या बन गया था? सेट थोड़ा बड़ा हो गया था, द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अब देखो ये दिखने के टाइप से बड़ा है, बट एक्चुअली मैथमेटिकली ये बड़ा नहीं, ठीक है। ये हम जब कार्डिनलिटी पढ़ेंगे एक सेट का तो हम समझेंगे कि क्यों क्यों ये बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमने ये जीरो इंक्लूड किया और
और हमने इसे एक्सपैंड कर दिया सेट ऑफ होल नंबर्स पे। उसके बाद हमने क्या किया कि सारे के सारे नेगेटिव इंक्लूड्स किए और ये सेट थोड़ा सा और बड़ा हो गया दिखने में। द सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या था सेट ऑफ इंटीजर्स में? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स थे, जीरो था, और साथ ही साथ सारे के सारे नेगेटिव ऑफ सारे के सारे नेचुरल नंबर्स थे, सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स थे। ठीक, इससे इनको थोड़ा सा और बढ़ाए, फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड किया और ये क्या बन गया? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें हमने सारे के सारे इरेशनल नंबर्स को भी इंक्लूड किया और ये पूरा का पूरा सेट क्या बन गया? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसे हम सेट नोटेशन में किस तरह लिखते हैं? देखो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स, दिस इज सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज अगेन अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, एंड दिस इज अगेन अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। एक और एक्सरसाइज तुम लोगों के लिए, ठीक है, जो लोग ये क्लास देख रहे हैं। मजे की बात ये है कि भाई नेचुरल नंबर से लेके इरेशनल इरेशनल नंबर्स तक इन सारे सेट के कार्डिनलिटी सेम है। मतलब कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा इसमें 1 2 3 4 थे, इसमें जीरो इंक्लूड किया थोड़ा बड़ा सेट हो गया, इसमें नेगेटिव इंक्लूड किया ये भी थोड़ा बड़ा सेट हो गया। नहीं, मैथमेटिकली इन सबकी कार्डिनलिटी सेम है, इन सबकी कार्डिनलिटी सेम है, ये हम लोग स्टेब्लिश करेंगे। बट इसकी कार्डिनलिटी इन बाकी सबसे अलग है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसकी कार्डिनलिटी बाकी सेट से अलग है। ये जब हम लोग मैट्रिक्स में जब डेम सेट्स देखने की कोशिश करेंगे तो वहां और बेटर समझ में आएगा क्यों अलग है। ओके, चलो नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। नेक्स्ट है कि भाई बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच ये रियल नंबर लाइन लेते हैं। सपोज ये ओरिजिन है, ये जीरो है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ गए और राइट हैंड साइड 1 2 3 4, ऐसे करते करते एन एन प्लस वन इस तरह से। तो भाई किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बार, मतलब आसपास, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आसपास एक के बाद एक। ठीक है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं भी इनके बीच में कहीं भी और कोई इंटीजर नहीं आ सकता और कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में और कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे भी एन और एन प्लस वन के बीच और कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा। देखो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ इंटीजर नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नंबर नहीं मिलेगा। रैशनल नंबर बहुत सारे मिलेंगे, रैशनल नंबर बहुत सारे मिलेंगे, इनफैक्ट जितने चाहो उतने मिलेंगे, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स इनके बीच में है, लेकिन कोई भी इंटीजर नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल सपोज पी एक रैशनल नंबर है, क्यू एक रैशनल नंबर। ठीक है, पी एक रैशनल नंबर है, क्यू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पी, इस पी का मतलब है ये भी एक तरह का फ्रैक्शन का होगा, फ्रैक्शन का फॉर्मेट होगा, जैसे a1 by b1। ठीक है, जहां पे b1 जीरो ना हो। ठीक है, क्यू भी एक रैशनल नंबर है, ये भी इस फॉर्मेट में होगा, a2 by b2। ए और ए टू और बी टू दोनों इंटीजर्स हैं और बी टू इसमें जीरो ना हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर हैं, इनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स होंगे, इनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होंगे। ये भी हम देख कैसे सकते हैं? देखो, पी कोई भी रैशनल नंबर हो, क्यू क्यू भी कोई भी रैशनल नंबर हो, इनके बीच पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू इनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू ये भी रैशनल नंबर होगा वाया क्लोजर प्रॉपर्टी।
है ना। सिमिलरली देखो क्यू और पी प्लस क्यू के बीच में क्यू प्लस पी प्लस क्यू बाई टू डिवाइड बाई टू, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ जो इन दोनों के बीच है। पी और इसके बीच में पी प्लस क्यू बाई टू के बीच में पी प्लस क्यू बाई टू होल डिवाइड बाई टू, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगेन इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा। करना क्या है, इन दोनों का क्वाड्रेंट्स निकालना है, ऐड करके डिवाइड बाय टू कर देना है। इसी तरह करते करते फिर इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, इन दोनों के बीच मिलेगा, इन दोनों के बीच मिलेगा, और इसी तरह हमें रैशनल नंबर का एक पूरा सीरीज मिलता जाएगा। ठीक है, तो वाया इंडक्शन हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये प्रूफ बहुत सारे बुक में अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे सिविल सर्विस ओरिएंटेशन, मैंने जो बात की, यहाँ पे हम क्लास करेंगे सिविल सर्विस ओरिएंटेशन को लेके। ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना ही तक जितना हमें सिविल सर्विस में जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फोकस होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दें। नेक्स्ट कुछ नोट्स हैं जो हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे। चार नंबर पॉइंट है कि भाई इन द लाइंस ऑफ सेम, जैसे मैंने जैसे हमने पिछला प्रूफ किया उसी तरह से बाकी तीन प्रूफ भी कर सकते हैं कि भाई बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देल बी इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये हम जब डेंस प्रूफ करेंगे कि भाई आर इज डेंस, आर इज डेंस, तब भी ये प्रूफ आएगा, तो हम इसमें इसे कवर करेंगे। जब हम प्रूफ करेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डेंस, तब हम ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम इसका कोई सेपरेट सेपरेट एनालिटिकल प्रूफ नहीं कर रहे। ठीक, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स देयर लाई इनफाइनाइटली मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये कोई नया चीज नहीं है, ये थ्री नंबर और फोर नंबर प्रॉपर्टी को पंच करके लिखा हुआ है। ठीक है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, ये भी हम प्रूफ करेंगे जब हम प्रूफ करेंगे कि भाई आर इज डेंस इन इटसेल्फ, आर इज डेंस इन इटसेल्फ, ये जब हम प्रूफ करेंगे मैट्रिक्स स्पेस में तब तो इसका प्रूफ देखेंगे। क्लियर, चलो तो आज का हमारा टॉपिक है द सेट ऑफ रियल नंबर्स लेके, द सेट ऑफ रियल नंबर्स लेके। तो रियल नंबर्स लेके हम अपना क्लास चालू करते हैं। तो अब हम लोग कुछ समझते हैं कि भाई क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं और कनेक्टिव्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिफायर देखो कुछ सिंबल हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, जैसे फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल के लिए, ये सिंबल है फॉर ऑल के लिए। ठीक है, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट के लिए, बार बार हमें देयर एग्जिस्ट न लिखना पड़े इसलिए हमने ये सिंबल बना रखा है, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट के लिए। इस तरह के सिंबल्स को हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंबल की पहचान ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंबल इम्पोर्टेंट है, इसे हमने बोलते हैं क्या, फॉर ऑल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक मैथमेटिकल लॉजिक का सिंबल है, इसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है कुछ कनेक्टिव, जैसे ये साइन, दिस इज इम्प्लीकेशन साइन, दिस इज इम्प्लीकेशन साइन। ठीक है, इसे बोलते हैं इम्प्लाइड, दिस इम्प्लाइज या इम्प्लाइड दिस। सिमिलरली ये भी एक कनेक्टिव, दिस इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय, एंड इज इम्प्लाइड बाय। ठीक है, ये साइन मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, इसे बहुत जगह इफ एंड ओनली इफ कंडीशन भी बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मैथमेटिशियंस का काम है चीजें सिंपल करना, तो बार बार इतना चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने छोटे छोटे सिंबल्स बना रखे हैं, छोटे छोटे नोटेशंस बना रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्वांटिफायर्स, ये हो गए कनेक्टिव्स या कनेक्टिव्स। ठीक है, अब देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये डील नहीं होगा, रियल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स क्या है ये समझना इम्पोर्टेंट है, एक्सियम्स क्या है ये समझना इम्पोर्टेंट है। देखो
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे डिफाइन करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड चीजें हमें मान लेनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे तुम पूछ सकते हो 2 + 2 = 4 कैसे आया, कैसे आया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करना चालू करें हर एक लॉजिक को, तो हम एक टाइम ऐसा पाएंगे कि जब कोई भी लॉजिक हम कभी ना देख पाए, ठीक है। मैथमेटिक्स में मतलब हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता ही है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें लॉजिक के लिए खोजना पड़ेगा, इसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है। तो हमने क्या किया है अपनी कॉम्प्लिकेशन को सुधारने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, हमने कुछ एक्सियम डिफाइन कर लिया, ठीक है। जैसे इक्विलिब्रियम एक्सियम है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, वो भी एक तरह का एक्सियम है, ठीक है। तो ये एक्सियम्स क्या है, ये सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स है। दीज एक्सियम्स आर द सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स जो हम ऑलरेडी मान के चलते हैं, जब ऑलरेडी मान के चलते हैं ट्रू है, और इसी के ऊपर बेस करके हम बाकी सारे रिजल्ट डिराइव करते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स के पास 3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सियम्स हैं। देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सियम्स। वन इज द फील्ड एक्सियम्स, सेकेंड इज ऑर्डर एक्सियम्स, एंड थर्ड इज कंप्लीटनेस एक्सियम। हम ये तीनों एक्सियम्स समझेंगे, हम ये तीनों एक्सियम्स समझेंगे और उससे हम डिराइव करेंगे कि भाई द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ कंप्लीटली ऑर्डर्ड फील्ड। हम ये डिराइव करेंगे कि भाई द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ कंप्लीटली ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। फील्ड कहाँ से आएगा, फील्ड एक्सियम से आएगा। ऑर्डर कहाँ से आएगा, ऑर्डर एक्सियम से आएगा। और कंप्लीटनेस कहाँ से आएगी, इस कंप्लीटनेस एक्सियम से आएगी, ठीक है। तो हम ये डिराइव करेंगे दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ कंप्लीटली ऑर्डर्ड फील्ड। अब मैथमेटिक्स में फील्ड क्या है, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का फील्ड नहीं है, मैथमेटिक्स में फील्ड है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में डिफाइन होता है, हम एक एक करके करेंगे, ओके। तो चलो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग फील्ड एक्सियम्स, सबसे पहले आते हैं हम लोग फील्ड एक्सियम्स, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड एक्सियम्स क्या है। फील्ड एक्सियम्स में हम देखते हैं कि भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, इसे हम बोलते हैं एडिशन, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन, इसे हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आर विथ यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन इज अ फील्ड, इज अ फील्ड, ठीक है। ये क्या है, ये हम पूरा डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं। इसके तीन पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट ये है, आर विथ इट्स एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन दिस इज अ कॉम्यूटेटिव, कहीं कहीं इसे एबेलियन भी बोलते हैं, दिस इज अ कॉम्यूटेटिव प्रूफ, दिस इज अ कॉम्यूटेटिव प्रूफ, ठीक। अगेन ये हो रहा है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि भाई द सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ यूजुअल मल्टीप्लीकेशन दिस इज ऑल्सो अ एबेलियन प्रूफ। कम्यूटेटिव एबेलियन एक ही चीज है, दिस इज ऑल्सो एन एबेलियन प्रूफ, ठीक। और तीन नंबर चीज है दैट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। दैट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये तीनों डेफिनेशन हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। पहला डेफिनेशन है आर विथ एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन इज अ कम्यूटेटिव या एबेलियन ग्रुप। सेकेंड, आर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज ऑल्सो एन एबेलियन ग्रुप। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट द मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक करके लिखते हैं। सबसे पहला दैट आर प्लस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, आर प्लस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। यहाँ प्लस साइन का मतलब है मैं एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन का बात कर रहा हूँ, मैं एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या क्या एक्सियम्स है, इसके
इसके लिए क्या क्या एक्सियम्स है भाई? ए वन क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि भाई फॉर ऑल ए बी दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई फॉर ऑल ए बी सी दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? ये जो ब्रैकेट है इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते, ये जो ब्रैकेट है इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, मैथमेटिकल मतलब ये है कि भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव ऑफ ए बिलोंग्स टू द सेम सेट, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सच दैट ए प्लस माइनस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू या चलो इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ, मैं पहले एक काम करता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी में एग्जिस्टेंस एडिटिव आइडेंटिटी पहले हम जीरो डिफाइन कर लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी करने से पहले हम जीरो डिफाइन कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव आइडेंटिटी जीरो डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, There exists zero belongs to the set of real numbers such that a plus zero equal to zero plus a, this will be equal to zero. ठीक है, देखो ये zero in general group में, इस zero को हम zero element बोलते हैं, in general हम group में zero को zero element बोलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ये टू, अगर हम टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का सेट लेते हैं तो यहाँ पे वो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो एडिटिव जो आइडेंटिटी है ये सेट के साथ और बाइनरी ऑपरेशन के साथ वैरी करता है, लेकिन इन जनरल इसे हम जीरो एलिमेंट बोलते हैं या एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में बोलते हैं दैट दिस इज द राइट एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें हम बोलते हैं दिस इज द लेफ्ट एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, क्लियर। तो ये आप सब लोग देख सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, इसे पॉज करके भी देख सकते हो। हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, A4 पे। इसका मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव इनवर्स, A4। A4 हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या है? मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव ऑफ ए दैट बिलोंग्स टू द सेम सेट, सच दैट a plus minus a, this is equal to minus a plus a, this is equal to zero. ये zero क्या है? ये zero है additive identity वाला, ये zero है zero element इस group का additive identity वाला। ठीक, यहाँ पे इस minus a को हम बोलते हैं right additive inverse,
और इस मायसे को बोलते हैं लेफ्ट एडिटिव इनवर्स, लेफ्ट एडिटिव इनवर्स। क्लियर क्लियर। और A5 है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, A प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A, विल बी इक्वल टू B प्लस A। तो इन पांचों एक्सियम से A1 टू A5 ये क्या इंप्लाई करते हैं? ये इंप्लाई करते हैं दैट R प्लस R विथ एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन इज एन एबेलियन, एबेलियन एक मैथमेटिशियन नाम पे, एक मैथमेटिशियन के नाम पे पढ़ा है, द मैथमेटिशियन वाज एबेल, एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप। क्लियर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट स्टैब्लिश किया, ये हमने फील्ड का फर्स्ट पार्ट स्टैब्लिश किया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये सब डिफिनेशन है, ये सब डिफिनेशन है, ठीक है, ये सब डिफिनेशन है, ये फील्ड एक्सियम्स है जो हम लोग एक एक करके लिखते जा रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या था? दैट आर आर विथ द मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज ऑल्सो एन एबेलियन। क्लियर। चलो लिखा जाए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था? ये पूरा का पूरा स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ओके। इसके बाद क्या है कि भाई आर विथ मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन दिस इज ऑल्सो एन एबेलियन ग्रुप, दिस इज ऑल्सो एन एबेलियन ग्रुप। ओके। इसमें पहला ऑप्शन, चलो इसे मैं ए बोल रहा था, इसे मल्टीप्लिकेशन था, इसमें M1 बोलता हूँ। M1 क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें भी वो पांचों प्रॉपर्टी आएंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, A इंटू B दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू R, स्क्रिप्ट R, M2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए डॉट बी डॉट सी दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। हम ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हम ये ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ए इंटू बी हम पहले कैलकुलेट करें, फिर उसके साथ सी ऑपरेट करें, दिस विल बी सेम एज, दिस विल बी सेम एज ए, ए हम बाद में ऑपरेट करें, बी और सी हम आगे ऑपरेट करें, और उसके बाद जो रिजल्ट है हम ए के साथ ऑपरेट करें, ठीक। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड एक्सियम इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स देर एग्जिस्ट वन, इसे हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। देर एग्जिस्ट वन दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट, such that a into 1 this will be equal to 1 into a this is equal to a, this is equal to a। clear clear। यहाँ पे 1 को हम बोलते हैं राइट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे हम 1 को बोलते हैं लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। M4 पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू वन। तो यहाँ पे बी को हम बोलते हैं एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए,
बीकॉम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए। क्लियर क्लियर। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है। मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया था, तो उसे एक बार चेक कर लेना, उसे एक बार चेक कर लेना। वहाँ पे भी यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी केस में भी यहाँ पे ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए ही होगा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लेना। अगर यहाँ पे मैंने गलती से जीरो लिख दिया हो तो उसे ए कर लेना। ओके ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी से मिटाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या था कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है कि भाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक, तो हमने आगे देखा, हमने पहले देखा था कि ए वन टू ए फाइव दिस इम्प्लाइज दैट आर प्लस आर विथ एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन इज एन एबेलियन ग्रुप, इज एन एबेलियन ग्रुप। और अभी हमने क्या देखा, एम वन से एम फाइव तक दिस एम्प्लाइज दैट आर विथ मल्टीप्लीकेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज एन इज ऑल्सो एन एबेलियन ग्रुप, इज ऑल्सो एन एबेलियन ग्रुप। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन क्या कहेंगे इसे, ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लीकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एक्चुअल वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और बी प्लस सी इंटू ए दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, इसे हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्लियर क्लियर। तो इन सारे प्रॉपर्टीज से हमने ये एस्टेब्लिश किया कि भाई आर आर प्लस डॉट विथ एडिटिव एंड दिस मल्टीप्लीकेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज अ फील्ड, इज अ फील्ड। अगर आर के जगह हम और कोई सेट फील्ड दिखाना चाहते हैं, डेफिनेशन प्रूफ करना चाहते हैं, तो सेट का नाम लिख सकते हैं ठीक है। आर की जगह मैंने एस, अगर आर की जगह से मैं अगर एस रिप्लेस कर दूं विथ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दिस इज फील्ड, दिस इज फील्ड। फील्ड के लिए ये सारे एक्सियम्स होल्ड करने चाहिए, फील्ड के लिए ये सारे एक्सियम्स होल्ड्स गुड। ओके ओके। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं फील्ड्स का, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो गई, कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ काउंटर एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। ओके तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं फील्ड के। सबसे बढ़िया एग्जांपल फील्ड का जो है वो है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स तो फील्ड है ही, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विथ यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। ठीक, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विथ यूजुअल, विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स अ
फील्ड फॉर्म्स अ फील्ड, ये एक फील्ड का एग्जांपल है। ठीक है, एक तो और एग्जांपल या काउंटर एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, ये क्या फील्ड होगा, ये क्या फील्ड होगा, ये क्या फील्ड होगा? आंसर इज यस और नो, आंसर इज यस और नो, नहीं ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड नहीं है। मतलब उन A1 से A5 में एडिटिव एक्सियम्स, उस M1 से M5 में मल्टीप्लिकेटिव एक्सियम्स, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, इन सारे प्रॉपर्टीज में कोई एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो फील्ड कर रहा है, इन सारे प्रॉपर्टीज में एक कोई एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो फील कर रहा है। कौन सा फील कर रहा है, कौन सा फील कर रहा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत सारे फील कर रहे हैं, मैं एक ही बताता हूँ। एन विद दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद दिस ऑपरेशन, ये एबेलियन ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉट एन एबेलियन ग्रुप, ये एबेलियन ग्रुप नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एडिटिव इनवर्स नहीं है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं है। याद है, जीरो 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 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो डज नॉट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट, है ना? इसमें एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जीरो बोल कोई एलिमेंट नहीं है। तो मतलब क्या है, A3 वायोलेट होता है, A3 वायोलेट होता है, A3 वायोलेट होता है, इसलिए ये एबेलियन ग्रुप नहीं है, ये एबेलियन ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये फील्ड नहीं है। क्लियर, फील्ड होने का पहला कंडीशन क्या है, दैट जो सेट को हम फील्ड बनाना चाहते हैं वो अपने एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन के अंडर एक एबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। ठीक, यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि इस सेट में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है मतलब ये एबेलियन ग्रुप नहीं है, अगर ये एबेलियन ग्रुप नहीं है तो मतलब ये फील्ड नहीं है। सो आंसर इज दिस इज नॉट अ फील्ड, आंसर इज दिस इज नॉट अ फील्ड, ये एक फील्ड नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल दें, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, क्या ये फील्ड है, क्या ये फील्ड है? आंसर इज अगेन, आंसर इज अगेन क्या, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। ओके, आंसर इज अगेन, है ना, ये भी फील्ड नहीं, ये भी फील्ड नहीं है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम ये पूछ के बताओ कि A1 से A5 में, M1 से M5 में, और उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जिसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव था, इन सारे एक्सियम्स में कोई एक एक्सियम या मे बी मोर देन वन एक्सियम फॉलो नहीं करता, कौन सा फॉलो नहीं करता, कौन सा फॉलो नहीं करता, ये तुम्हें निकालना है। चलो आज पहला क्लास है, मैं बोल ही देता हूँ। देखो, द सेट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, द सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दिस इज नॉट एन एबेलियन। ठीक है, आज का पहला क्लास है, आज मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ये एक्सरसाइजेज रहेंगी, नेक्स्ट क्लास से ये छोटी छोटी चीजें खुद से सीखनी होंगी, खुद से करनी होंगी। तो जेड विथ मल्टीप्लीकेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एन एबेलियन ग्रुप, क्यों ग्रुप नहीं है, कौन सा एक्सियम फिल कर रहा है बताओ, कौन सा एक्सियम फिल कर रहा है बताओ? जेड में कोई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं, ठीक है, सेट में कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मतलब कौन सा एक्सियम, M4 फेल्स हियर, ठीक है, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल टू में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाए, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हाफ तो इंटीजर्स का एलिमेंट ही नहीं है, हाफ तो रैशनल नंबर है, हाफ तो रैशनल नंबर है, हाफ तो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 मतलब 1 छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट का, 1 और -1 छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक,
क्लियर ही बात, क्लियर ही बात। तो सेट विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो नॉट अ फील्ड, इज ऑल्सो नॉट अ फील्ड। यू कैन चेक कि तुम्हारे लिए होमवर्क है दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर विथ एडिशन विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दिस फॉर्म्स अ फील्ड। ये एक फील्ड है, ठीक है। तुम एक के बाद एक के बाद एक सारे एग्जाम देख सकते हो, दे ऑल विल होल्ड, तुम्हें कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ठीक। तो हमने ये स्टैब्लिश कर लिया, हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि भाई फील्ड क्या है और फील्ड एक्जियम्स क्या क्या है। हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि भाई फील्ड क्या है और फील्ड एक्जियम्स क्या क्या हैं। अब हम जाते हैं ऑर्डर की तरफ, हम जाते हैं ऑर्डर की तरफ। हम ये प्रूफ करते हैं कि भाई आर विथ एन ऑर्डर रिलेशन विथ एन ऑर्डर सेट, ठीक है। अब पहले तो हमें ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज एन ऑर्डर, व्हाट इज एन ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम पहले डिफाइन करते हैं, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सपोज एस एक नॉन एम्प्टी सेट, हम यहाँ पे रियल नंबर से लेंगे लेकिन एस एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एस एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम एक ऑर्डर डिफाइन करें, एक ऑर्डर डिफाइन करें इस तरह से कि भाई दिस इज एन ऑर्डर, is an order if for all AB belongs to S, for all AB belongs to S, A less than B, A less than B means, इसका मतलब ये है that A is less than B. A is less than B, ठीक है। A less than B इसका मतलब ये है that A is less than B, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं that A minus B is less than C. A minus B is less than C. इस तरह से हम order define कर, इस तरह से हम order define कर रहे हैं कि भाई A अगर B से छोटा है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे that A is less than B, या A माइनस बी इज लेस देन जीरो। क्लियर, क्लियर। हमने ऑर्डर डिफाइन किया, हम ऑर्डर एक्सियम्स देखते हैं, हम ऑर्डर एक्सियम्स देखते हैं और ये समझते हैं कि R, R विद दिस ऑर्डर जो हमने डिफाइन किया इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। फील्ड तो हम पहले ही पा चुके हैं, R एक फील्ड है ये तो हम पहले ही पा चुके हैं। अब R में ये ऑर्डर डिफाइन है ये हम देखते हैं। ऑर्डर एक्सियम्स क्या क्या है, फर्स्ट एक्सियम्स है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री रिलेशंस होल्ड, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री रिलेशंस होल्ड। मतलब ए या तो बी से छोटा होगा, ए और बी या बराबर होंगे, या तो बी ए से छोटा होगा, ठीक। दीज आर ऑल, दिस इज लॉ ऑफ ट्रिकोटॉम, दिस इज लॉ ऑफ ट्रिकोटॉम, ठीक। सेकेंड ऑर्डर एक्सियम है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी मतलब, मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी दैट इम्प्लाइज ए इज लेस देन सी, दैट इम्प्लाइज ए इज लेस देन सी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, ये क्या है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। थर्ड ऑर्डर एक्शन, थर्ड ऑर्डर एक्शन को हम बोल सकते हैं दैट एडिटिव मोनोटोनिसिटी या मोनोटोन वर्ड तुमने सुना होगा, इसका मतलब क्या है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर वेयर सी इज ग्रेटर देन जीरो, सी जीरो से बड़ा है,
if a is less than b, this implies a plus c is also less than b plus c. a plus c is also less than b plus c. यहाँ पे c जीरो नहीं भी ले सकते हैं, चलेगा. यहाँ पे c greater than जीरो नहीं भी ले सकते हैं तो भी चलेगा, doesn't matter. ठीक है. फोर्थ ऑर्डर एक्सियम है मल्टीप्लीकेटिव मोनोटोनिसिटी. मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर वेयर सी इज ग्रेटर देन जीरो. सी यहां जीरो से बड़ा होना ही चाहिए. इफ इफ ए इज लेस देन बी, दैट इंप्लाइज ए इंटू सी इज ऑल्सो लेस देन बी इंटू सी. यहाँ पे अगर सी नेगेटिव लेते हैं, अगर सी बाई चांस नेगेटिव हो गया तब ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. तब ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. इसलिए हमने ये ध्यान में रखा है कि भाई ये इनइक्वालिटी रिवर्स ना हो. इसलिए हमने ये ध्यान में रखा है कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स ना हो. ठीक. तो आर विद दिस ऑर्डर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड. R with this order relation defined on it is an ordered field. Clear? Similarly, यहाँ से lemma निकलता है कि भाई हमने less than sign define किया है, हम greater than sign भी define कर सकते हैं, वो भी एक order. ठीक. Clear? तो हमने अभी तक ये establish किया that R with this order relation is an ordered field. ठीक है. आज के क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे कि भाई आर का कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है. मतलब हम ये एस्टैब्लिश कर लेंगे कि भाई आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ कंप्लीटली ऑर्डर्ड फील्ड. इज अ कंप्लीटली ऑर्डर्ड फील्ड. फील्ड क्या है हम समझ लिए, ऑर्डर क्या है समझ लिए, थर्ड पार्ट आता है कंप्लीटनेस. हम नेक्स्ट क्लास में ये प्रूफ करेंगे कि भाई कंप्लीटनेस ऑफ आर का मतलब क्या है. कंप्लीटनेस ऑफ आर का मतलब क्या है. ओके. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस. ओके.